सोजत से। सोजत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ परिवहन कर वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 वाहन सहित 2200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ व एक जनरेटर बरामद किया है। सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि शिवपुरा थाना क्षेत्र के जार्डन गांव के निकट नेशनल हाईवे पर 162 पर स्थित एक ढाबे के पीछे अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ परिवहन करने की सूचना मिलने पर शिवपुरा पुलिस द्वारा तबिश दी गई, जिसमें भनक लगने पर आरोपी भागने में सफल हो गए, मगर पुलिस ने मौके से 2200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ 3 पिकअप वाहन के साथ एक जनरेटर बरामद किया है। मामले की सूचना रसद विभाग को दे दी गई है, जहां से टीम पहुंचने के बाद ज्वलनशील पदार्थ के सैंपल लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोपनीय सूचना पुलिस थाना शिवपुरा पर यह मिली कि जाडन गांव के पास में एक ढाबे के पिछवाड़े में कुछ मुलजिमान हैं जो पिकअप गाड़ी में से कोई बायोडीजल या सॉल्वेंट जैसा कोई केमिकल पदार्थ उतार रहे हैं, जिसको वो आगे नकली बायोडीजल या डीजल पेट्रोल के तौर पर सेल करने का इरादा रखते हैं। शिवपुरा थाना पुलिस द्वारा दबिश दी गई, लेकिन रात्रि का वक्त होने की वजह से मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मौके पर 3 पिकअप गाड़ियाँ मिली। एक पिकअप गाड़ी में 1000 लीटर की 2 प्लास्टिक की टंकियाँ थी, जिनमें तकरीबन 700-800 लीटर एक टंकी के अंदर केमिकल भरा हुआ था, जो एक मशीन के द्वारा दूसरे ड्रमों में भरा जा रहा था। तो मौके पर 4 ड्रम इसमें इसके भरे हुए थे, और एक पिकअप गाड़ी में इन ड्रमों को भरने के बाद बाहर सप्लाई करने के हिसाब से खड़ी हुई थी, और एक पिकअप जो गाड़ी है उसमें एक हाई पावर जनरेटर सेट लगा हुआ था, जो किसी भी बड़े टैंकर को खाली कर सकता है या इससे भर सकते हैं। ये सब आलामत मिलने पर थाना पुलिस द्वारा मनुष्यों को सूचित किया गया,